नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेज वहां पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहां पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी, मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहां तक जाना काफी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहां पर और जाकर उन्होंने सारों को वहां से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नू में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।